जो मानसरोवर की यात्रा है, 1995 में मैं खुद मानसरोवर गया था, मैं लेजन ऑफिसर होके गया था और मेरा डिजिग्नेशन था डॉक्टर बीडी मिश्रा और मैं पीएचडी हूं इसलिए डॉक्टर बीडी मिश्रा, अगर शायद ब्रिगेडियर लिखा होता तो मुश्किल। मैंने ये वहां पर देखा कि हमारे छोटे छोटे कपड़े खोल के उन्होंने सर्च किया और जब हम नाथुला पास क्रॉस किए उस वक्त जब हम आगे गए तो वहां पर मुझे यह लगा कि चीनीज स्पाई कर रहे हैं, चाइनीज हमारे ऊपर स्पाई कर रहे हैं। और पूरी यात्रा में तमाम ऐसे मौके आए जबकि उस वक्त भी चाइना ये नहीं चाहता था कि हम हर जगह जाएं। मानसरोवर का जो हमने परिक्रमा किया उसमें 1/3 हमको नहीं परमिट किया गया, हमको सिर्फ 2/3 परमिट किए गए और मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वहां पर न तो कोई उनकी तरफ से आदमी है, एक हमारे तरफ से गाइड होता, उनकी तरफ से एक गाइड आता था वो इंडियन ऑरिजिन का था और उसको उन लोगों ने हायर किया था, उसका वो हिंदी खूब अच्छा जानता था। तो उसका पूरा एम यही था कि हमको वो स्पाई करता रहे। और जब मैं माउंट कैलाश की परिक्रमा कर रहा था तो एक टिबेटन मॉन्क्स का लड़की थी उनका एक ग्रुप मिला हमको, यंग लड़कियां थी, मंक्स थी और वो हमसे यही पूछ रही थी दलाई लामा फोटोग्राफ। हमारे पास कुछ नहीं था लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि चाइनीज का एटीट्यूड राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरू से ही भारत के खिलाफ इसलिए रहा है क्योंकि भारत को कॉम्पिटिटर समझता था, अब और भी बड़ा कॉम्पिटिटर समझता है और अब चूंकि और देश हमारे साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं इकोनॉमिक फील्ड में तो यह समझता है कि शायद भारत कहीं खड़ा ना हो जाए। और दूसरी बात यह है कि चीन का एम यह है वर्ल्ड में नंबर वन पावर होना थ्रू इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, उसमें भारत उसका विरोधी है क्योंकि ओबीओआर में हम गए ही नहीं। तो ये पूरी बातों को देखते हुए हम ये कहते हैं कि 1949 से लेकर के और आज तक चीन की रवैया हमारे खिलाफ मुख्तलिफ रही है।